ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਲੂਗਾ ਵੈ। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, की हाल चाल ने? परना मेरा वह खिल रहा होना मैं पता है, क्योंकि ठंड इन्नी ज़्यादा है ना इतने सीरीयसली कि मेरे मुँह चो कमर चो भी धुआं निकलता देख रहे होंगे। सच्ची परने का की बनया होया भाई, इन्नी ठंड सी भी तुसी हिसाब ला लो कि एक कंबल एक रजाई उहदे उत्ते फिर कंबल, ठीक है वह मेरा वैसे समान खिल रहा होया। तो इतने साढ़े को गिठी भी लगी सी, तो भी ठंड लगी, मतलब इन्नी ज़्यादा ठंड सी। तो मनु भाजी जिहड़ा टैंपरेचर आ मेरे हिसाब नाल बहुत ज़्यादा माइनस होना है, हाथ ठरे पए ने मेरे, लिटरली बहुत मंदा हाल है बई। तो इहनू कहिंदे आ स्पीति, ठीक है। तो बाहर जाके तुहानू मैं व्यू दिखाउणा परना सैट करके, वेट करो। तो लो भी दोस्तों, ये तुसीं देखो काजा सारा ही वाइट पिया, स्नो ही स्नो है। हालात बहुत मंदे ने क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है सीरीयसली। परना भी चज्जना नहीं बज रहा मेरे को, तो राती भी बहुत ठंड लगी, पर ठीक है कंबल लपेट के सुते थे इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं लगी है। तो लिटरली सो फ्रीजिंग इस टाइम। वैसे नैटवर्क सारा कुछ हैगा इतने, लाइक फोन्स वगैरह चल रहे हैं, जियो एयरटेल चल रहे हैं, बस वोडाफोन वाले का वोडाफोन नहीं चल रहा। तो जो मेन है तुम्हें वेखदा होना मैं कि इतों का इस टाइम टैंपरेचर किन्ना है वो देखते हैं आप। बाई -18 शो हो रहा मैं इतने, ठीक है, बट मे बी रात को इतने 25 प्लस सी। मैं स्टोरी पाई थी स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम तुम देख सकते हो। तो यह इस टाइम का इतों टैंपरेचर है बई, तो -18, ठीक है। तो बहुत ही मंदा हाल है। तो हम अज का जो शेड्यूल तुम दिखाऊंगा मैं बाद बई ने बॉटल चक्की है, तो आ देखो तुम बॉटल के उत्ते ना पानी जमया होया तुबके जेडे ना, देखो मतलब कि इन आ इन्ना फ्रीजिंग होया पाया। तो अभी अभी पड़े पड़े हो गया, अभी अभी भी जम गया। अच्छा ये तो पीते भी जम सकता है, पर गर्म हो गया ना ये, है ना। ये देखो तुम इतों गैस ला सकते हो बई कि आ इन्हों के पानी इतने भी जमया हुआ, लाइक ये उत्ते भी। तो बहुत ही मंदा हाल है। तो अभी गर्म है, थोड़ा सा गर्म है अभी। आइस, हाँ हाँ हाँ, ये देखो आ देखो आ देखो भाई, जम जम गया गर्म पानी, मतलब क्या बात है। ये तो आप लोग गैस लगा सकते हैं अभी कितनी ठंडी है, तो बट फिर भी फन है, ये भी एक एक्सपीरियंस है जो करना चाहिए लाइफ का, तो इसलिए हम लोग यहाँ इसे एरियाज में आते हैं। तो ठीक है, आज देखते हैं क्या क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फिलहाल रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से कहीं को निकलना है, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलना है। और जिन्होंने लास्ट व्लॉग्स नहीं देखे अभी तक, 3 व्लॉग्स चल गए हैं, शिमला से चल के आए थे, कालपा गए थे, कालपा से रस्ते में यहाँ तक पहुँचे, तो बहुत ज़बरदस्त व्यू था, सारा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता। तो दोस्तों फाइनली आप रेडी हो गए, पग पुग बन के, बड़ी मुश्किल बननी है क्योंकि ठंड बहुत है, हाथ पूरे सुन्न होने तक जा रहे हैं। तो अब हमारा सामान हम पैक करेंगे, व्लॉग हमने डाल दिया जो कि आप लोग चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है, जो लोग नहीं देख रहे। हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे रात को जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है ना बहुत कम हो जाती है, तो फ़ोन बहुत लेट चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे बैटरी भी उनकी बहुत जल्दी ख़त्म होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने सारे डाल लगा छोड़े, पर फिर भी चार्ज फुल नहीं हुए हैं। चलो गाड़ी में कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो कपड़े भाई पूरे गर्म लेके आना, अगर कोई विंटर्स में आ रहा है तो। नहीं आता, आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा ना 3 बजे। तो मोस्टली भाई ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है कि गाड़ी अगर आप बंद करके इसको सो जाते हो, तो इतना टेम्परेचर माइनस होता है कि सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, डीजल जम जाता है, इसलिए डीजल में एंटी फ्रीज जरूर डालना। वो कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन पंप से भी मिल जाता है, किसी आप स्टोर से ले सकते हो। तो एंटी फ्रीज डालो, वाइपर्स के पानी में आप भी एंटी फ्रीज डालो, और नहीं है तो वुड का डाल दो पानी के वाइपर में, तो इसलिए ध्यान रखना। तो ब्रदर जा रहा है स्कीइंग करने, हॉकी खेलने, और ये पता नहीं कहाँ खेलने वाले हैं, तो हम भी चलेंगे इनके साथ। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट कर लें, तो फिर यहाँ से निकलेंगे। ये भाई ने स्कीइंग वाली ऊपर रखे हुए हैं, क्या बात है भाई, गुड मॉर्निंग भी सारे जानों को। यहाँ पे हीट अच्छी है, लग रहा है भी चल रहा है। तो स्पेशल थाली दे विच सानू परौंठे मिल रहे ने विद दही, ते नाल साढ़े गिठी चल रही है, ते बहुत ही स्वाद आ रहा वैसे। मनु भाजी क्या हो गया,
मनु भाई की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। ये पंगा होता है भाई ऐसे माइनस टेम्परेचर में, इसलिए आप लोग गाड़ी स्टार्ट छोड़ो रात को, मतलब 12 बजे स्टार्ट कर लो। अगर आप 7-8 बजे पहुंचे हो तो सुबह 6 बजे तक उसको स्टार्टिंग पे ही छोड़ दो, तो नहीं तो ये पंगे हो जाते हैं। पर लेकिन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा इसको और पंगे करने पड़ेंगे, इंजन के ऊपर गर्म पानी डालना पड़ेगा, जहाँ उसके नीचे पहले आग लगाते थे अब तो नहीं लगाते हैं। तो लेकिन जोर लग रहा है भाई, बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुई है, धुआं भी देखो कैसे निकला काला। तो इसलिए भाई ध्यान रखो इन चीज़ों का जब ऐसे एरिया में आप लोग आते हो। तो कॉनवाई भाई यहीं खड़ी है, तो पानी पूनी जम चुका है जो नीचे आप देख सकते हैं इनके गाड़ियों के, तो कल ज़्यादा जमेंगे क्योंकि आज हम लोग लोकल ही ट्रैवल करने वाले हैं। तो आओ आपको चीज़ दिखा के लेके आता हूँ। खेड भी लिया है मैं, लेट हो गया हम दसो एक गेम की होंगी है, मैंने पता नहीं आइस हॉकी है। ओके सारे ने किट पाई है, हॉकी स्टिक फड़ी है। ओके ते नाल जड़ी जिस तरह नॉर्मल हॉकी च बॉल होंगी है, बॉल ही होंगी, किसी पक होंगी है। अच्छा रबर ते हार्ड मटेरियल दी बंदी है। अच्छा जे वजे तो खत्म तो नहीं, ते ए स्पेशल स्टेज पर स्पेशल ग्रे ग्राउंड किने बनाउंदे फिर ए पानी पाके नेचुरल ड्रिंक है, पानी पंदे ते राती जमे न दो। अच्छा अच्छा दोस्तों तो देख सकते हो शूज भी स्पेशल ने, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो यह सारी सारी आइस हॉकी की स्टेज है, तो बड़ा एक्सपीरियंस बंदा खेल सकता है, आम बंदा के बस की यह गेम नहीं हैगी वैसे। जिम्मे कल गल हो रही ना, मैं फसाया जा रहा है ना, इतने मतलब प्लानिंग की जा रही है, मतलब हौली हौली है, मतलब कि हाँ गोडे छिलणगे पूरा टूटेगा गोडे तो पता कल जोगे। तो दोस्तों एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इधर बॉटल च पानी जमया हुआ तो देख सकते हो, हूँ ठीक है उल्मोंग की बॉटल टेडी सी पूरी जमी हुई सी, वो भी जम गई, टक्कन मारा गया उसका, ताड़ी पली है रे ताड़ी। ते दोस्तों ये हैगा साडा जिहड़ा कि मैं अगे भी व्लॉग च दस रहे हैं, जिहड़े बंदे नवे जुड़ रहे ने उसको पता चल जाएगा, ये हम लोग कर रहे हैं 9th विंटर एक्सपीडिशन 2022। ते ये सारे स्पॉन्सर्स ने, जे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता उन्होंने कर सकता है, लाइक कोई ट्रैवल करना चाहता नाल साढ़े, तो ये असी ट्रैवल कर रहे सी 13 तरीक तो चले सी शिमले तो, फिर 14 नूं असी शिमला तो काजा कल्पा आ गए, कल्पा टू काजा हुण आए सी कल, तो अज हैगी 16 तरीक मतलब 16, तो अच्छ चलेंगे काजा टू काजा होम स्टे ही है, बट आप 100 किलोमीटर स्नो टाइम कोई रन करना लाइक कुछ इदा लागे लोकल घूमेंगे, ठीक है। तो किसी की कोई भी इंक्वायरीज डिटेल्स होने तो कॉन्टैक्ट कर सकते, मैं थले इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह पाए हुए हैं कि थोड़ा पता लग जाए भी जे किट कि इवेंट से करवाते रहते हैं, तो सारा कुछ इन्होंने ज्वाइन कर सकते हो। तो आप हम इतों निकलते हैं, यहाँ पे बताने वाली मेरी ये थी कि लास्ट पेट्रोल पंप है काजा का, स्पीति का, हमें जो पंप मिला था हमें कल्पा से भी पहले ही मिला था, इसलिए वहाँ से तेल भरा के बाद में यहाँ पे डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, तो ये रात को बंद होता है दिन में ही खुलता है। और यहाँ पे एक इशू और भी है कि यहाँ पे मिक्स्ड भी मिलता है, लाइक आप वो तेल भी ले सकते हैं, जो कि मैं बता रहा था ये आप पढ़ भी सकते हैं, उन्होंने लिखा भी हुआ है प्रॉपर वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो है आउटलेट है इनका यहाँ पे पेट्रोल पंप का, ये 12,270 फीट के ऊपर है, तो 37-40 मीटर है अबव सी लेवल, ठीक है। तो ये मेरे लोगोज भी यहाँ पे लग गए, मैंने लगा दिए अपने, ये रहा अपना व्याकरण ब्लॉग्स का। दोस्तों तुसी देख सकते हो कि सारी स्नो ही स्नो है, वाइट सारा होया पिया, होर कुछ नहीं दिख रहा, जस्ट रिवर लंघ रही है विचों, तो सारा ही वाइट है। असी हुण जा रहे हैं लोसर, तो ये साड़ी जिहड़ी है ऑलमोस्ट 60 कार्स प्लस कॉनवॉय चल रही है, जिहड़े पुराने ब्लॉग्स कोई बंदा नहीं देख रहा है, तो 60 प्लस कार्स लेके हम लोग निकल रहे हैं।
तो इसलिए ये है सारा का सारा व्यू। दोस्तों व्यू तुसी चेक कर रहे हो, बहुत ही सुंदर व्यूज हैं, बहुत ही अच्छे और बड़े जबरदस्त है, पर एक पंगा भी है। इधर असि पानी पीने लई बोतलां लभी हन, पर बोतलां जमी हुई है बर्फ पूरी पूरी, थोड़ा थोड़ा तो ठरिया पानी आ रहा। तो होर तुहानू दिखाउणा एग्जाम्पल एक, आ वेखो ये भी जमी पई है सारी सारी, तो मतलब इन्ना मंदा हाल है इत्थे, ये रात गड्डी दे विच पईयां रहियां। तो हुण असीं जा रहे हां स्नो ड्राइव नूं। जो दोस्तों इदा ब्लैक आइस होंगी है तो ये कभी भी ये ब्रेक नहीं मारनी, छो नॉर्मल गेयर पा के फोर बाय फोर गड्डी है तो वह फोर बाय फोर पा के जान देना, तो ओवर स्पीड नहीं करनी, कहीं तो कंट्रोल नहीं होंगी होंगी। तो ये ब्लैक आइस सारों डेंजरस होंगी है, तो शाम को बहुत ज़्यादा होंगी और सवेरे भी होंगी है। तो दोस्तों ये रास्ता अभी तक बंद था, तो अभी इन्होंने खोला है स्पेशल, लाइक थोड़ा ठीक हो गया वेदर, तो अदरवाइज ये इतनी टाइम जल्दी खुलता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू है जो कि चारों तरफ स्नो ही स्नो है। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर व्यूज थे, बहुत ही आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मे बी व्यूज को। ये चीजें स्पेशली देखने के लिए आई नो कि बहुत टाइम चाहिए, लेकिन हाँ अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे, काम कभी खत्म नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये चीजों के लिए भी टाइम निकाला करो, ये नेचर है और क्या कुछ चल रहा है, क्या पंगे हो रहे हैं, क्या कुछ सब आपको इंजॉय करने के लिए मिलेगा। और कॉनवॉयज में कितना अच्छा लगता है जब गाड़ियां इकट्ठी चलती हैं। तो अब हम पहुंचे हैं एक विलेज है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे लंच करेंगे और फिर यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है वो दिखाएंगे आप लोगों को, और वापस हम काजा ही जाएंगे आज रात को। लेकिन ये है स्नो ड्राइव, हाँ प्रॉपर वाली स्नो ड्राइव नहीं है, लेकिन उसमें सारे लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये हम लोग 60+ कार्स लेके चल रहे हैं, जैसे कि मेरे पीछे भी देख सकते हैं वो लंबी कॉनवॉय लगी हुई है, सारी स्नो की स्नो ही है। और यहाँ पे भी हम लोग ये विलेज में लंच चल रहा है, लंच कोठे के ऊपर। चावल राजमा और सब्जी और चटनी जी। क्या बात है, बॉम्बे वालों के क्या हाल हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो शिमले वाले हैं लेकिन अब बॉम्बे वाले हो गए, कैसा लगा फिर? बढ़िया लगा, चाचना एक्सप्लेन किया जाए फिर मैं बेइज्जती कर देनी थोड़ी जी। बेइज्जती ना करो वापस वापस। हाँ चलो दसो किवें लग्या? इतना सुंदर, इतना प्यारा, मैंने तो नहीं लगा कि मुझे, मैंने लगा कि कोई नहीं कोई हिंदी 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 भी कोई गल भी कंफर्टेबल है। किवें लगा? किवें वीडियो ले रहे हो? हां ये डालूंगा मैं यार, देख लो हाल, मतलब मुझे लगा बढ़िया एक्टिंग हो जाती होगी, लेकिन नहीं, जब बिल्कुल एक्टिंग नहीं हो रही। हां चलो अब बताओ कैसे लगा? बहुत सुंदर लगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग सच्ची में ये टाइम पे इतने लोगों के साथ स्थिति में है, कायटो में, और 15-20 मिनट किलोमीटर काजा से, और इतने सारे लोग और इतनी चलो चलो बस बहुत हो गया, लड़की अड़ गई। तो लेकिन मैं बताऊंगा ये कौन है आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मे बी कईयों को पता होगा कईयों को नहीं पता होगा, तो उनको पता चल जाएगा वैसे फिर बता रहे इसकी एक्टिंग जो है ना पता होगी, पास है कि फेल है, ठीक है? तो अब खत्म गाड़ी।
दोस्तों इधर पार्टी हो रही है राजमा चौला नाल बर्थडे है हैप्पी बर्थडे सर पर ये सुखा बर्थडे जेड़ा कि ਰਾਤੀ ਜਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਗਾ ਮਾਈ ਆਈ ਸਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਫਰਮ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਰਾਹੁਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਗਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਣੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਏ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਚਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਬਟਰ ਮਿਲਕ नमकीन चाय सर आप पहले आप बताओ आपने पिए कैसी है वंडरफुल मतलब सच में के वैसे दिल रखने के लिए इसका बस इसमें डालो चलो थोड़ी सी प्लीज थोड़ा डालना बस इतना क्यों खराब है भाई पता नहीं हूं निकलनी किवें दी है ना मतलब आवे बात से एड़े बढ़िया रहता तो बीच में बाहर लोग दा फिरा अरे ओए भाई कावा आया गर्म पानी गर्म किया यारो ठीक है मक्खन में जो कह रहे हैं मक्खन में पाता लड़कियां चल नहीं सकती लेकिन उन्होंने कोले बड़े हाल होंगे हूं आखो ए जूता दिखाना मैं किसी का स्पैशली मतलब इन भी मतलब पाई हुई है की कह सकते नहीं वो तो सर एक्चुअल नाम है ना पंजाबी भाषा च की कहे किलिया हाँ मतलब वो पाल गया ठीक है इस करके इतो कहते हैं कि मतलब कि कुछ भी पॉसिबल है कोई ओला नहीं कोई निराश होके बैठा है और खा नहीं रहा है क्या हुआ क्या हो गया उनको केएफसी खाना है आज अच्छा केएफसी खाना है अच्छा आ कर जल्दी ये देखिए केएफसी की नई डिश आई है पता तेरे को चल हेलो कर दे अच्छा हेलो कर दो उसको के एफ सी के नए चावल पसंद नहीं आए के एफ सी वालों आप लोग फेल हो गए यहाँ पे ना स्पीति में तो आपकी नई डिश नहीं अच्छी लगी ते दोस्तों लंच हो चुका है ते राजमा चावल ही वैसे खाने में मिलते हैं दोपहरे पर अच्छा है चलो ठीक है तो लेकिन आप गांव देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सर्वाइव करते होंगे कैसे रहते हैं हम लोग फिर भी सोचते हैं इस चीज़ को कि नहीं यार हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए लेकिन अगर हम लोग इन लोगों की ओर देखें तो भाई ये 6-6 महीने बर्फ़ के चक्कर में फंसे रहते हैं तो इनकी भी पेशेंट है मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है तो ये देख सकते हो आप कैसे कितने अच्छे हैं सिंपल घर हैं इन लोगों के ठीक है कि इन्होंने अपना राशन रखा होता है मतलब अपने एनिमल्स के लिए काउस के लिए कि जब ज़रूरत पड़े बर्फ़ पड़े तो इससे काम चल जाए 2-3 ओ क्या बात है भाई ओ, ओ ये गलत हो गया काम भाई ये गलत हो गया ये सबसे बेस्ट हो गया नहीं नहीं बेस्ट तो भी होगा ओहो ये बेस्ट है ये बेस्ट है भाई भाई ऐसे होता ना बदला तो ऐसे लिया जाता ना मेरा भाई बहुत ठंडी है बहुत ठंडी है भाई उसको अपने दोस्त को उठा तो लेना यार ऐसे मत करना फिर तू उठना पड़ेगा खुद से नहीं नहीं देख लो बैंकर्स लोग गिरा देते हैं उठाते टूटते रही है बाद में मेकअप वाली लड़की थी ना उसके शॉर्ट्स नहीं खत्म हो रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम देखने नहीं जा रही है ये हमारी तो पहाड़ी तो लग रही है पहाड़न तो तू पहाड़न बिल्कुल लग रही सच्ची बात किसी ने सताए ने सच्ची बात बोली है पहाड़ी लड़के के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए रज के झूठिया होती है रज के We'll be right back.
तो दोस्तों ये इनका लोकल प्रोग्राम था, तो इनका मैंने गाना नहीं चला पाया क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाएगा, तो लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो ये कल्चर था लोकल का इनका, तो ऐसे एक्टिविटीज इनकी होती रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं वापस, क्योंकि टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा। रास्ता सारा स्नो वाला है, तो गाड़ियाँ स्किप करेंगी क्योंकि आइस हो जाएगी प्रॉपर, जो पानी वाला था। तो अभी सारे लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा था ये। फोर तब भी निकल रही है, देख लो भाई। मतलब टेक्निकी जो है वो यूज करनी चाहिए, ना कि जोर और वो चीज। फंस गई। देख लो एम जी का हाल, चेना लाउनिया पै गई इन, मतलब कि ये चल नहीं रही है ना, मतलब गड्डी, तो इस करके इन चेंज लाउनिया पै गई। देख लो एम जी टायर ही तभी लाई फिर कश्मीरी ड्राइवर साढ़े को ना। चलो आप देखते तेरी ड्राइविंग। तो दोस्तों अगर फिर भी बात नहीं बने तो कहीं से उठाओ मिट्टी, बजरी कुछ भी मिलता है, कार का मैट, अगर जो अपने कार के नीचे मैट बिछाए होते हैं ना, वो भी उसके टायर के आगे फेंक देते हैं, मतलब कुछ भी चलेगा ब्रो। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम मेरे से फोन कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ठंडी है, पता नहीं आई थिंक कोई 15-20 माइनस के आसपास टेम्परेचर होगा। नहीं मेरे हाथ ठहर रहे हैं ना, तू तो काम कर रहा है इसलिए गर्म है। तो भाई हाथ प्रॉपर, क्योंकि ग्लव्स लेके नहीं आया मैं, तो इसलिए वो चक्कर है। तो शॉर्ट में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हाथ सुन्न हो गया मेरा, क्योंकि ये तो हट ही नहीं रहा है बस। तो दोस्तों असं निकल रहे हैं हम इतों वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड हो चुकी है, तो पता नहीं कितना पहुँचा जाऊँगा। तो और बताता हूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो ऐसे, आपने स्टॉप कर दिया तो आपने रुकना है कि 1-1.5 घंटा, तो भाई जो आपकी गाड़ी के तथा टायरों में पानी होता है ना, अंदर भी होता है, तो हैंड ब्रेक लगा के कभी नहीं गाड़ी रोकना, क्योंकि वो पानी जम जाता है, तो आपकी हैंड ब्रेक लूज़ नहीं होगी जब तक वहाँ पर हीट नहीं लगेगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, और थोड़ा बहुत खड़का तो होता ही, लेकिन ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, ये है व्हाइट स्पीति सारी की सारी, आप व्यू देख ही सकते हैं। दोस्तों एक लोकल फूड है, थोड़ा इन्होंने कहते टिम टिम बोलते हैं इसको, टिमुक बोलते हैं। तो ये टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो फाइनली दोस्तों वापस आ गए अपने रूम च, होम स्टे च। तो किवें लग्या दिन जरूर दस्सो भाई कमेंट करके। साह चढ़ रहा है क्योंकि बहुत माइनस टैंपरेचर है इस टाइम, ठीक है। इन्होंने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे जरूर देख लियो। तो हुण आपां सौवांगे, तो जे कोई कॉनवाइस ज्वाइन करना चाहुंदा है इदां दे लाइक रोड ट्रिप्स जां स्लो ड्राइव्स, तो तुसीं इत्थे माउंटेन गोल्ड मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम वगैरह मैनशन किया हुआ, तुसीं उत्थे फॉलो भी कर सकते हो ईवेंट्स की जानकारी वास्ते, उन्होंने वैबसाइट चैक भी कर सकते हो। तो कुछ गल्ला दसण वाले जी जरूरी ने कि भाई जो तुसीं इदां टैंपरेचर च हुंदे हो, माइनस च हुंदे हो, तो गड्डी ऑफ ना कराया करो, क्योंकि गड्डी थोड़ी सवेरे स्टार्ट नहीं होनी, मतलब तुसीं 12-11-12 बजे गड्डी स्टार्ट करके, ठीक है, दैन तुसीं आन के सौ सकते हो फिर कमरे च, तो फिर सवेरे गड्डी बंद कर सकते हो 5-6 बजे उठ के, ठीक है, क्योंकि डीजल वगैरह वो जम जाता है, ठीक है। नहीं तो एंटी फ्रीज उस जरूर पाओ, ठीक है, दोबारा दस दिना। तो इस करके हुण भी असीं गड्डी स्टार्ट छड्डनी है थोड़े चिर तक, तो इस करके बी सेफ ते बी केयरफुल। तो मिलते हैं हुण कल नवां दिन नवां ब्लॉग लैके, कल एक होर।